हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके प्लानेट। और आज इस ट्यूटोरियल में हम एमपीपीएससी 2018 का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ है और पेपर वन को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो दो पार्ट में होगा, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पार्ट की। और जो आज एग्जाम हुआ उसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि नेम द स्टेट बर्ड ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का जो स्टेट बर्ड होता है उसका नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर, जिसे हम हिंदी में दूध राज भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, खासकर क्योंकि ये मध्य प्रदेश की जीके से रिलेटेड है, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। उसके बाद जो क्वेश्चन आया गया था, पूछा गया था, वो है कि द फुल फॉर्म ऑफ एनजीटी। तो फुल फॉर्म ऑफ एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बहुत ही आसान है। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था वो था नेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच डिपेंडेंट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसका आंसर है सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा भी ये रिसेंटली करंट अफेयर क्वेश्चन है, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कम्प्लीटली ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाया गया है। और इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है कि द मेन एयर पोल्यूटेंट्स इन मेट्रोपॉलिटन सिटी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि आजकल एयर क्वालिटी को लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है, इन्वायरमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा लोग चिंतित हैं। तो इसका आंसर है CO2 एंड NO2, ये इसका आंसर है। और चलिए, अगर इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है, ये फिफ्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेडिसिनल क्रॉप। देखिए, ये एलोवेरा जो होती है इसको मेडिसिन में यूज़ करते हैं, इसको हिंदी में हम घृत कुमारी भी बोलते हैं। तो एलोवेरा इसका आंसर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था द सनलाइट एनर्जी विच यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू। देखिए, तो जो ग्रीन है, ये जो सनलाइट होती है उसको फोटोसिंथेसिस के थ्रू केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑडिबल रेंज। बहुत ही आसान है, 20 से 20 किलोहर्ट्ज तक की होती है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेजर्ट रीजन। डेजर्ट रीजन इंडिया का सेंट्रल इंडिया रीजन है, ये डेजर्ट रीजन में आता है। चलिए उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल अर्थ डे सेलिब्रेटेड। देखिए, इसका जो आंसर है वो है हमारा 22 अप्रैल। ये एक एनुअल इवेंट होता है जो विच इज बीन सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन अप्रैल 22। और इसका जो मेन मोटिव है वो है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए इसको हर साल हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। और जो फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था वो 1970 में किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो पहला है द बर्निंग फॉरेस्ट। ये किताब थी जो नंदिनी सुंदर, जो कि DU की प्रोफेसर है, इन्होंने लिखी थी। ये मॉइस्ट इंसर्जेंसी से रिलेटेड थी बुक। नेक्स्ट है वन इंडियन गर्ल, ये फिक्शन बुक थी जो चेतन भगत जी ने लिखी थी। अगला है जिना ऑफन केम टू आर हाउस, किरण दोषी, ये भी सही आंसर है। सॉरी, सही आंसर नहीं, मतलब मैच सही है। उसके बाद जो करेक्ट मैच नहीं है वो है आईलैंड ऑफ लॉस्ट गर्ल्स। इसको कुणाल बसु ने नहीं लिखा था, बल्कि इसको जेनिफर मैकमोहन, इसकी राइटर है जेनिफर मैकमोहन, इन्होंने इसको लिखा था। अगला है, ये एक MP की GK से रिलेटेड है, मतलब करंट अफेयर है। हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन वन द बाई इलेक्शन 2017, ये इसका आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सचेंज द लिस्ट ऑफ दियर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन अंडर एन एग्रीमेंट दैट एम्स टू प्रिवेंट बोथ साइड्स फ्रॉम अटैकिंग सच इंस्टॉलेशन टिल जनवरी 2018। ये ऐसे तो अभी तक 27 बार ऐसा एक्सचेंज हो चुका है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था द CEO ऑफ इन्फोसिस, इससे पहले जो सिकाल विशाल सिक्का थे इसको इन्होंने रिप्लेस किया है सलिल पारेख। सलिल पारेख जो है अभी के CEO ऑफ इन्फोसिस हैं, करंटली ही इज एट प्रेजेंट। अगला है द एट प्रेजेंट हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। देखिए, IMF, IMF में टोटल 189 मेंबर्स हैं, सबको मालूम है। और IMF का अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो ये इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, वॉशिंगटन DC में है। और इसका जो इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 1945, ये जो ब्रेटन वुड की कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद जो IMF को क्रिएट किया गया था। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी वीमेन वर इलेक्टेड इन मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन 2013, इसका आंसर 28 है। चलिए अगला है इन विच ईयर वॉज द मध्य प्रदेश राज्य कोष उद्र, ये जो एक एवं बजट अभियान था ये 2005 में पास किया गया था, काफ़ी इसका टफ नाम है। ऑन विच डेट प्रेसिडेंट ऑफ USA, देखिए ये ऐसा क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए लेकिन हमने पूछा,
इतना डेट कौन याद करता है कि 6 दिसंबर 2017 को डोनाल्ड ट्रंप ने जेरूसलम को रिकग्नाइज किया था एज अ कैपिटल ऑफ इसराइल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टू स्टेट हैव बीन ज्वाइंटली रैंक्ड फर्स्ट। देखिए ये भी 2016 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप किया था। अगला है विथ विच रिलीजन इज कली का पुराना। कली का पुराना इज एसोसिएटेड विद सक्तिज्म, सक्तिज्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट है एंशियंट पीरियड, इन एंशियंट पीरियड विच वन वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्थवना। सर्थवाह जो है इसको वैश्य, जो मर्चेंट्स क्लास था उसको एंशियंट टाइम में उसका दूसरा नाम है। द एंसेस्टर ऑफ शुंगाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मगध इसका आंसर। द सक्सेसर ऑफ शेर शाह वॉज इस्लाम शाह। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही कई बार पूछा जा चुका है, खासकर ये एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन लग रहे हैं देखने से। वेयर वॉज द वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सिचुएटेड इन द अर्ली पीरियड, तो इसका सूरत आंसर है। नेक्स्ट है द ब्रिटिश एम्पायर इज रॉटेन टू द कोर, करप्ट इन एवरी डायरेक्शन एंड ट्रेनिकल एंड मीन। दिस स्टेटमेंट वॉज मेड सिस्टर निविदा निविदिता। अगला जो क्वेश्चन है 25, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हु कॉइन द स्लोगन क्विट इंडिया। देखिए क्विट इंडिया का जो स्लोगन था उसको कॉइन किया था यूसुफ मेहर अली ने, और इसको यूज किया था महात्मा गांधी ने। लेकिन कोई क्वेश्चन पूछा गया हु कॉइन द स्लोगन, जो कि कॉइन मतलब जो इसको सबसे पहले जो इसको एक स्लोगन को कॉइन किया था वो था यूसुफ मेहर अली ने। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हु ऑथर द बुक प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, इसका आंसर ए है। नेक्स्ट है विच मसकेर इज ऑल्सो नोन एज जलियावाला बाग ट्रेजडी ऑफ मध्य प्रदेश। ये झबुआ मसकेर है। द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर जो इंडिया की है वो है गंगा। हालांकि इन सब में जो लॉन्गेस्ट रिवर वो ब्रह्मपुत्र है, लेकिन इंडिया में जो सबसे लंबी है वो है गंगा। उसके बाद द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया। द साउदर्न मोस्ट रेंज इसमें से आप देखेंगे अन्नामलाई ऊपर है, नीलगिरी ऊपर है, इसका आंसर होगा कार्डमम। अगला विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेस मैक्सिमम स्टेट बाउंड्री, ये तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश है। कई बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन गोदावरी को बोलते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट है। द पाक स्ट्रेट, द पाक स्ट्रेट जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। उसके बाद है आई टी सी जेड, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज अ लो प्रेशर जोन, ये जो इक्वेटर के बीच में होता है, इक्वेटर पर ही ये जोन होता है। द कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर टाइगर्स, ये मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है इसलिए क्वेश्चन पूछा गया। नेपा नगर, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जा चुका है, ये न्यूज़पेपर प्रिंटिंग के लिए फेमस है, यहाँ पर न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग होती है। अगला है ये क्वेश्चन मतलब बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन था, इसको ऐसा नहीं पूछना चाहिए था कि 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में कौन सा शहर लाइक करता है, जबकि ये सारे शहर जो है आसपास ही लाइक करेंगे इसका आंसर। लेकिन जो सबसे क्लोजेस्ट है वो पन्ना है, तो इसका आंसर सी यानी पन्ना होगा। उसके बाद है भगवंतर भुगतान योजना ऑफ मध्य प्रदेश इज रिलेटेड टू विच सेक्टर। देखिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी। अगला है बीएसएफ सिक्योरिटी फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग ऑन बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, इसका आंसर हो गया। फिर है हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन द एक्टिंग गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। ऐसा क्वेश्चन मतलब लोग पूछ रहे हैं आजकल, जीडी दीक्षित जी हैं जो एक्टिंग गवर्नर की तरह नहीं एक्ट आए हैं मध्य प्रदेश में। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया द गवर्नर, गवर्नर हैज द पावर, ये बहुत ही आसान है 213। व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ ग्रोस ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ मध्य प्रदेश 2011 से 12 से, ये 16.8, ये एक फिगर है, इसको अक्सर न्यूज़पेपर में आता है, इसको देखना पड़ेगा। इन विच ईयर वॉज द ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी क्रिएटेड फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया, इसका आंसर 1957 है। ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, जबकि दिल्ली असेंबली में दिल्ली कुछ विधायकों को इलेक्शन कमिश्नर ने डिसक्वालीफाई कर दिया था क्योंकि वो दे आर वर्किंग एज अ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। चलिए तो इसका आंसर सी हो गया। चलिए ये इस पार्ट वन वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और हमारे प्लान जीके प्लान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हम सेकंड वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।